नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है SBI मचमच फंड के बेस्ट SIP प्लान के बारे में। बताइए कि आज 2023 में लूँ और जीवन भर वो चलता रहे। उसके पहले एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, यदि सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहे और सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे तो फिर क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक क्वेश्चन घूम रहा है कि आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐप आ गए हैं, ऐड दिखाते हैं और सब लोग इन्वेस्ट करने का बात भी कर रहे हैं। मान लो कि दुनिया के सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे तो इससे मार्केट पे क्या असर होगा, ये क्वेश्चन है भाई साहब का। अब एक डाटा देखते हैं कि हमारे देश का जो GDP है उसका लगभग 16% मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, लेकिन वर्ल्ड का जो है एवरेज 74% है। उनके GDP का 74% एवरेज कंट्री लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है जबकि हम 16% पे हैं। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि मान लेते हैं कि बैंक में अभी 200 लाख करोड़ है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मान लेते हैं 200 लाख करोड़ है और म्यूचुअल फंड में 41 लाख करोड़ है, लगभग 20% हो गया। म्यूचुअल फंड में 20% पैसा है और ज्यादातर पैसा, 5 गुना पैसा कहाँ है, बैंक में है। बाहर के दुनिया में देखेंगे जो विकसित कंट्री है, बैंक में 20% ही है और म्यूचुअल फंड में 80% है। बाहर के देश में म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत बड़ा है और बैंक बहुत छोटा छोटा है। यहाँ क्या है, अभी बैंक बड़ा है और म्यूचुअल फंड छोटा छोटा है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। होता यह है कि जिसको कुछ नहीं पता है और इंश्योरेंस प्लान में चले जाएंगे, ट्रेडिशनल प्लान में चले जाएंगे, अब थोड़ा बहुत कुछ पता है तो बैंक में FD कर लेंगे, सेफ सेफर सेफेस्ट जो मैं बोलता हूँ हमेशा। अब थोड़ा बहुत अगर कुछ ज्ञान आया है तो म्यूचुअल फंड में, और डायरेक्ट स्टॉक के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ, नहीं करना है। आपका प्रोफेशन कुछ और है, करते कुछ और हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही जानना है तो 1 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में रखिए, 1 लाख रुपये स्टॉक में रखिए और 5 साल छोड़ दीजिए। 10-10 हज़ार करके 10 फंड ले लीजिए स्मॉल कैप। यहाँ पे 5 साल के बाद पता चलेगा यहाँ पे नील बट्टे सन्नाटा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है और यहाँ पे पैसा आपका अच्छा खासा बढ़ गया है। अगर यहाँ बढ़ जाए तो बोरिया बिस्तर समेटिए और बॉम्बे चले जाइए, फंड मैनेजर बन जाइए। अगर यहाँ आपको बढ़ता हुआ अच्छा खासा रिटर्न, इंडेक्स से मार्केट से बेहतर रिटर्न आप जनरेट कर पाए हैं लंबे समय में, तो बोरिया बिस्तर समेट करके बॉम्बे चले जाइए। यहाँ पे जो उन्होंने कोर क्वेश्चन पूछा कि सब लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं। पूरी दुनिया में बोलते हैं ना सारा पैसा अमीरों के पास जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। 10% के पास 90% पैसा है और जो बेचारे 90% हम लोग हैं उसके पास 10% ही पैसा में जीवन यापन कर रहे हैं। कोई एकदम मलाई का मलाई खा रहे हैं, एकदम कमी नहीं पड़ रहा है उनको, पैसा रोज का रोज आते जा रहा है। लॉकडाउन में जो ये लोग थे इनको रोज पैसा आ रहा था, धड़ल्ले से सड़क पे लोग मरते जा रहे थे, तो ये चालबाजी है। तो इनके पास पैसा आते जा रहा है, आते जा रहे हैं। जब आप एजुकेट होंगे तो होगा कुछ नहीं, यहाँ वाला पैसा धीरे धीरे शिफ्ट होके वो 90% में बटना शुरू हो जाएगा। कहते भी हैं ये 10% लोग, बाहर के दुनिया से आवाज़ ऐसा आता है कि इंटरनेट की वजह से, एजुकेशन की वजह से धीरे 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 ये लोग अमीर होते जा रहे हैं और हमारा पैसा धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये सच है, उनका धीरे धीरे घटता जा रहा है, इसलिए बौखला करके कुछ भी करने के लिए तैयार है ये। तो जितना एजुकेट होंगे उतना कम लूटेंगे। एक लूटने का बात मैं यहाँ पे बोलता हूँ, हम खरीदते हैं ट्रेडिशनल प्लान, इंश्योरेंस प्लान, सोचिएगा ये प्लान बनाया किसने होगा। 1 लाख रुपया दिया आज, अगले साल 1 लाख और दिया, अब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गया, पैर में चोट लग गया, अब 6 महीने के लिए बेड पे हैं, अब पैसा है ही नहीं, अगले साल पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं 1 लाख। तो ये कहते हैं ट्रेडिशनल प्लान इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी नहीं मिलेगा, मरे नहीं है, मरने के बाद तो मिल जाएगा, पैर टूट गया है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, घर में भर्ती हैं, हॉस्पिटल तक जाने का भी पैसा नहीं है, घर में ही बैठे हैं। 6 महीने के बाद ठीक हुए थे, प्लास्टर लगा था, फिर गिर गए बाइक से साइकिल से, फिर 6 महीने के लिए गए काम से, काम कर ही नहीं पा रहे। तो 1-1 लाख रुपये 2 बार दिए थे, वो बेचारा जाके चक्कर काट रहा है ऑफिस में, भैया दे दो मूलधन, दे दो कुछ भी, ब्याज व्याज मत दो, मूलधन दे दो, नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में छोटा छोटा करके लिखा है, सोचिए वो अंग्रेजी में छोटा छोटा करके स्टार मार्क करके बनाया किसने होगा, किसने बनाया होगा आज से 50 साल पहले कि 2 बार पैसा देंगे या 3 बार देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 5 बार 10 बार 15 बार देंगे तो मिलेगा। अरे हम तो कहते हैं कि पहला बार भी 1 लाख रुपया दिया ना, कुछ तो मूलधन दो, बोलते नहीं नियम बना हुआ है। तो ये सोचना है कि नियम किसने बनाया है।
नियम कोई सात समुंदर पार, जो मैं बोलता हूँ मोगेम्बो शर्डॉन, उसने बनाया है। हमारे देश का कोई नहीं इन्वॉल्व है इसमें, इस तरह का नियम बनाने में कोई और बनाया है नियम, और हम उसी के थर्रे पे चलते जा रहे हैं। अब बात करते हैं SBI के बेस्ट SIP प्लान के लिए। मान लेते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ आप करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल का रिकॉर्ड एक लेते हैं, 10 साल में जमा कर दिया मूलधन कितना 12 लाख, 15 साल में 18 लाख, 20 साल में 24 लाख और 22 साल में 26 लाख 40 हज़ार। तो देखते हैं पहला रिकॉर्ड SBI का कहता है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है star SIP.in में, यहाँ पे गए SIP परफॉर्मेंस में, जब आप लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे या मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके खोलेंगे तो star SIP आपको इस तरह से दिखेगा। कुछ भी लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ डालने की जरूरत नहीं, हड़ाक से ऐसे खुल जाएगा। SBI म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया SBI। ऑल इक्विटी ऑफ SBI 10 साल के लिए, पहला 10 साल पीरियड लिया और 10 हज़ार रुपया पर मंथ। तो पहला फंड देखते हैं SBI स्मॉल कैप, SBI टेक्नोलॉजी, SBI मैग्नम मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी, SBI लार्ज एंड मिड कैप, 5-6 टॉप का मैं बोलता हूं, देख लीजिए। यहां देखते हैं 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया था, 12 लाख जमा किया, एक ने बनाया 37 लाख रुपया स्मॉल कैप ने, 21% का रिटर्न, दूसरे ने बनाया 29 लाख 83 हज़ार, तीसरे ने 28 लाख 89 थाउजेंड, चौथे ने 28 लाख 65 हज़ार, पांचवें ने 26 लाख 99 हज़ार। कौन सा है पांचवा फंड? पांचवा फंड का नाम है SBI कंजम्पशन, SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI लार्ज एंड मिड कैप ने बनाया है 26 लाख 59 हज़ार, 15.42% का रिटर्न है। ये लास्ट 10 ईयर्स का बात है, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ। अब चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 15 साल, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, 15 साल कर दिए। अब जो फंड आएगा वो लिस्ट अलग आएगा, यहाँ पे स्मॉल कैप गायब हो गया। क्यों? स्मॉल कैप का पहले 15 साल पहले जन्म ही नहीं हुआ था, 12-13 साल हुआ है SBI स्मॉल कैप का, तो हट गया। तो 15 साल में फंड आया SBI मैग्नम मिड कैप, और दूसरा है SBI फोकस्ड इक्विटी, और तीसरा है SBI मैग्नम ग्लोबल। 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ भी जा रहा है, तो 18 लाख जमा हुआ, उस 18 लाख का वैल्यू है एक में 77 लाख, दूसरे में 69 और चौथे में 64। चौथा और पांचवा देख लेते हैं, चौथा पांचवा है SBI लार्ज एंड मिड कैप, और पांचवा फिर से आ गया SBI हेल्थ केयर। इन दोनों ने बनाया है 18 लाख का वैल्यू, 63 लाख और 59 लाख, 15.42 14.76% का रिटर्न। अब 20 साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं, 20 साल में सब हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि 20 साल पहले उसका जन्म ही नहीं हुआ था। यहां सेलेक्ट किया क्या हमने ऊपर में लास्ट 20 ईयर्स। तो देखने के लिए देखते हैं SBI हेल्थ केयर ने 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया तो 24 लाख जमा हो गया, साल का हुआ 1,20,000, 10 साल में हुआ 12 लाख, 20 साल में हुआ 12 धनी 24 लाख, 24 लाख का वैल्यू बना है 1,19,00,000, और दूसरे फंड ने बनाया है टैक्स सेवर फंड ने 97 लाख, 12.52 14.23% का रिटर्न। अब आ जाते हैं लास्ट 22 साल, मतलब इससे ज़्यादा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, 22 साल 25 साल 30 साल 30 साल 25 साल नहीं है, मैक्सिमम 22 साल ही है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 22 साल। 22 साल में आया है वही दो फंड SBI हेल्थ केयर और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ के दर से जमा उतना हुआ था 26 लाख 40 हज़ार, और पैसा बनाए एक में 1,82,00,000, 1,46,00,000। ये मैं क्यों इतना डाटा चेंज करके दिखाया कि जैसे जैसे समय बढ़ाते जाते हैं आप, आपका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते रहता है। एक साल और कोई टाइम दे, मान लीजिए 1 करोड़ हो गया, अब आप एक साल और टाइम देते हैं और 10% ही बढ़ा तो 10 लाख रुपया बढ़ता है। 1 करोड़ का 10% 10 लाख रुपया होता है, 15% बढ़ता है तो 15 लाख रुपया होता है एक साल में। लेकिन पहला 1 करोड़ रुपया करने के लिए आपको वो 14-15 साल रामजी वाला वनवास डालना पड़ेगा, उसके बाद जो ग्रोथ होगा ना, एक्चुअल ग्रोथ होना तब शुरू होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि सेलेक्ट क्या करना है, आज शुरू करना है तो क्या करना है, तो इसके लिए आपको पहला 10 ईयर्स वाला पे ही जाना है। 10 ईयर्स में गए, टॉप 5-6 आप देख लीजिए, उसमें आप 10 हज़ार रुपये पर मंथ करना शुरू कर दीजिए। मैं फंड का नाम बताता हूँ, SBI स्मॉल कैप, SBI टेक्नोलॉजी, SBI मैग्नम मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी, SBI लार्ज एंड मिड कैप, ये फंड आप इसमें जा सकते हैं, बेहतरीन फंड है, लंबे समय तक लिए बने रहिए। आप यहां से शुरू करेंगे 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ, 3-4 साल के बाद आपका मूलधन से भी पैसा कम हो सकता है, लेकिन डरना नहीं है, करते रहना है करते रहना है। यदि आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है
थोड़ा थोड़ा मार्केट गिरे तो बीच बीच में टॉपअप भी करते रहिए। आपको सिर्फ SBI में करना है, एकदम बगल में है भैया राजू भैया SBI ब्रांच, एकदम घर के बगल में सटा हुआ है, ऐसे गए और घूम करके ब्रांचे में घुस गए, ऐसा वाला अगर चाहते हैं एकदम सेफ, सेफर सेफेस्ट बगल में, कोई एकदम नज़र के सामने जिगर के पास, कहीं देश दुनिया नहीं घूमना है हमको, तब ऐसा वाला करना है। तो टॉप 6 का जो SBI का फंड बताया, 2-2 हज़ार रुपया करके सब में डाल दीजिए, 10 साल 12 साल 15 साल में इतना पैसा हो जाएगा कि उन्हें प्लॉट फ्लैट वो सब रहेगा, वो बढ़ भी गया होगा, मेरा प्लॉट 10 करोड़ का हो गया गया भाई, पर 2 किलो दूध जो आएगा हर महीने वो पैसे से आएगा, वो 10 करोड़ का फ्लैट का क्या करेंगे, 4 ईंटा बेच करके दूध वाले को पैसा देंगे, कैसे देंगे सोचिए ना। अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपया हो गया है तो पर मंथ 60 हज़ार रुपया पेंशन आ सकता है जीवन यापन करने के लिए, बूढ़े हो गए हैं, अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया आपका बेटा बेटी चल गए हैं, आपको जीवन यापन करने के लिए 50 हज़ार रुपये पर मंथ चाहिए, तो क्या कीजिएगा, वो 10 करोड़ का कॉर्नर वाला बर्फी साइज का टुकड़ा बेचिएगा, कोई नहीं बेच पाता है भाई, ऊपर चला जाता है, ऐसे राम नाम सत्य है, ऐसे ही होता है, ढोल बाजा बारात भी नहीं आता है, लेकिन है वो 10 करोड़ का। यहाँ पे होगा 1 करोड़ रुपया तो पहले से चेक काट के दे दीजिएगा बैंड बाजा बारात वाला को, भाई 1 लाख रुपया लो, मरने के पहले आ जाना बजा देना, टेंट वाले को खाने वाले को पहले से चेक काट के दे दीजिए कि मैं जाऊँगा तो एकदम बरातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए, इस तरह से करके। तो लिक्विडिटी है, जब मर्जी पैसा खर्चा कर सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स पे आते हैं, कमेंट्स में भाई साहब का कहना है आपका वीडियो यूट्यूब पे डाल सकते हैं जैसे का तैसे, एकदम डाल सकते हैं, रोज अगर डाल दिए एक एक वीडियो अपने चैनल पे और लिंक भी डाल दिया म्यूचुअल फंड का, यकीन मानिए 1 साल के बाद 20-25 हज़ार का कमाना बहुत बड़ा बात नहीं है। एक बंदे ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा, याद है मुझे, कि राजू भैया अभी भी कोट पहन रहे? अरे कोट अभी पहन रहा हूँ, अभी गर्मी है, पर ये वीडियो आप ठंडा में भी तो देखेंगे, उस समय ठंडा लगेगा तो क्या करेंगे, तो ज़रूरी है कोट हमेशा चलते रहेगा ये। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक इनसे जरूर करें, थैंक यू सो मच।